Hello friends, welcome to Fully Explained. Subscribe and press the bell icon to keep yourself updated. Hello दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, और इसी सब्जेक्ट का दूसरा नाम है नैरेशन, तो इसे नैरेशन भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो प्लीज पहले टेंस क्लियर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से टेंस समझाया है और बहुत ही इजी तरीके से आपका टेंस उसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टेंस के बिना आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़ सकते। तो प्लीज जाकर आप अपना टेंस पहले क्लियर कीजिए। अगर आपका टेंस हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये यूज होता है जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को कोई बात कहे, तो उसे हम लिखते हैं कोट्स में, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में। लेकिन जब ये सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की कही हुई बात को थर्ड पर्सन को जाकर बताता है, तो वो बिना इन्वर्टेड कॉमा के बताता है। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को बोलता है कि मैंने आज खाना खाया, तो वो थर्ड पर्सन को जाकर बताएगा कि वो कह रहा था कि उसने उस दिन खाना खाया था। और इसीलिए यूज होता है दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हम थर्ड पर्सन को जाकर बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन ने क्या बताया था। ये हो तुम, ये तुम्हारा काम है कि डायरेक्ट बताई हुई चीज को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट पर्सन है पेपर, पेपर में आता है क्वेश्चन, और ये आप सॉल्व करते हो और बताते हो एग्जामिनर को कि भैया ये है आंसर, तो इसलिए आप हो सेकंड पर्सन। बढ़ते हैं आगे। पॉसिबल कन्वर्जन्स जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होते हैं, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द डे बिफोर, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, एंड सो ऑन। टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, हेयर का देयर, अगो का बिफोर, दस का सो, दिस का दैट, दीज का दोज, विल या शैल का वुड या शुड हो जाता है दोस्तों। लेकिन वुड या शुड का वुड या शुड ही रहता है। कैन का हो जाता है कुड, मे का हो जाता है माइट। इन्हें कहते हैं हम मॉडल्स, या फिर कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो दोस्तों ये कभी भी चेंज नहीं होते, मतलब अगर डायरेक्ट में विल शैल कैन या मे है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा वुड शुड कुड माइट। लेकिन अगर डायरेक्ट में ही वुड शुड कुड या माइट हो तो उसमें हम लोग चेंजेस नहीं करते। यहां लिखा हुआ है मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, जैसे कि सेड इज यूनिवर्सल, कहीं पर टोल्ड आता है, कहीं पर कुछ और आता है, तो हम लोग सेड हर जगह पर यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ नेवर चेंजेस, तो जो हमेशा सच रहने वाली बात है वो इनडायरेक्ट में भी वैसी ही रहती है, उसका टेंस चेंज नहीं होता। अगर है ही सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हम लिखेंगे ही सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगेगा। ब्लड इज रेड, ब्लड रेड ही रहने वाला है। You do not need to change the tense if the reporting verb is in present tense. इसका मतलब क्या? Reporting verb मतलब क्या? तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ examples के साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि reporting verb मतलब क्या होता है। तो इसमें tense change के क्या rule है वो यहां पर mentioned है, ये आप अपने पास लिख के रख लो, ये बहुत important है दोस्तों। प्रेजेंट का होता है पास्ट, पास्ट का होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का होता है पास्ट परफेक्ट, समझे? यहां पर हम कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस को हम एज इट इज रखेंगे, कंटिन्यूअस में चेंजेस नहीं होंगे।
नो चेंजेस, समझे? तो देखते हैं पहला एग्जांपल डायरेक्ट में, ही सेज आई राइट अ लेटर, तो इसका इनडायरेक्ट हुआ है ही सेज दैट ही, आई का हो गया ही, राइट का हो गया राइट्स, पर यहां पर टेंस चेंज नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर सेज है और सेज दोस्तों होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है यहां पर सेज और सेज है यहां पर प्रेजेंट टेंस में, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका टेंस चेंज नहीं करते, समझे? शाबाश। आगे डायरेक्ट, शी सेड आई एम नॉट लाफिंग नाउ, इनडायरेक्ट में शी सेड दैट, आई का हो जाएगा शी, एम का हो जाएगा वॉज क्योंकि प्रेजेंट का होता है पास्ट, तो शी वॉज नॉट लाफिंग देन, नाउ का हो जाएगा दोस्तों देन। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट, टीचर सेड माय डॉटर विल कम टुमारो, तो इस क्वेश्चन में टीचर का जेंडर नहीं बताया गया है, मतलब क्या टीचर मेल है या फीमेल है ये नहीं बताया गया, इसका मतलब टीचर गे नहीं है, ठीक है? तो टीचर सेड दैट टीचर्स डॉटर वुड कम द डे आफ्टर, तो टीचर सेड दैट, माय का हो जाएगा टीचर्स मतलब टीचर की डॉटर, हिज या हर यहां पर नहीं आएगा इसलिए ये कटा हुआ है, डॉटर विल का हो जाएगा वुड, कम का रहेगा कम और टुमारो का हो जाएगा द डे आफ्टर, तो यहां पर टीचर ना तो मस्कुलाइन है ना फेमिनाइन है, यहां पर टीचर है न्यूटर जेंडर, समझे? आगे डायरेक्ट में ही सेड शी वॉज ईटिंग क्वाइटली, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट शी हैड बीन ईटिंग क्वाइटली, क्योंकि यहां पे पास्ट टेंस का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो वॉज ईटिंग का हो गया हैड बीन ईटिंग। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि डायरेक्ट में जब लिखा जा रहा है ही सेड तो फिर दिया गया है कॉमा, उसके बाद में स्पेस दी गई है और फिर दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा, तो इन दोनों के बीच में स्पेस है, हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते ना हम ऐसा कभी टाइप कर सकते हैं, और आखिरी में है फुल स्टॉप और उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आगे बढ़ेंगे, शी सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days, तो यहां पर है परफेक्ट लेकिन प्रेजेंट में है तो इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, मतलब हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में, लेकिन ये अपने आप ही पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि यहां पर जो हैज है ये यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आपका वर्ब्स क्लियर नहीं है दोस्तों, अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है दोस्तों, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाइए और उसमें जाकर अपना टेंस पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि टेंस जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आई सेड टू हिम आई विल बी वेटिंग फॉर हिम, आई सेड टू हिम दैट आई विल का हो गया वुड बी वेटिंग फॉर हिम, तो इसमें विल का वुड हुआ है दोस्तों। हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों जिसमें है क्वेश्चंस, तो पहले है यस नो टाइप के क्वेश्चंस जो कि स्टार्ट होते हैं डू या विल से, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं, इसीलिए हम इसे ये भी बोलते हैं कि यस नो क्वेश्चंस है। तो ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड देम, देम इसलिए आया क्योंकि यहां पर यू है, हमें यह नहीं पता कि वो पर्सन प्लूरल है या सिंगुलर है,
ज्यादा लोग हैं या एक बंदा है हमें नहीं पता, इसीलिए हमने लिखा them. He asked them if या फिर whether, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली मुझे पता है तुम इफ ही यूज करोगे, आलसी हो ना तुम. He asked them if they would listen to such a man. तो will का हो गया would. और ये जो सेंटेंस था ये क्वेश्चन फॉर्म से कन्वर्ट होकर हो गया है डिक्लेरेटिव फॉर्म में. तो ये सेंटेंस जो कि इंटरोगेटिव फॉर्म में था ये अब कन्वर्ट हो चुका है असर्टिव फॉर्म में या फिर डिक्लेरेटिव फॉर्म में, जो कि होता है सिंपल स्टेटमेंट. और यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है क्वेश्चन वाला सेंटेंस. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस, डब्ल्यू एच हाउ टाइप. तो जो डब्ल्यू एच से क्वेश्चन शुरू होते हैं उनको कैसे टैकल किया जाता है डायरेक्ट में. वेयर डू यू लिव आस्क्ड द टीनेजर. तो यहां पर आस्क द टीनेजर ये आफ्टर इन्वर्टेड कॉमा है तो हम इसे पहले भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसे पहले भी लिख सकते हैं द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड इस तरीके से, और हमें इस तरीके से ही लिखना चाहिए. द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड. तो वेयर का वेयर ही रहेगा, डू यू लिव का हो गया आई लिव्ड. तो यहां पर डू और लिव बताते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है सेंटेंस, इसीलिए इसका किया है सिंपल पास्ट टेंस. अगर यहां पर होता वेयर डिड यू लिव तो यहां पर हम लिखते वेयर आई हैड लिव्ड, लेकिन क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है इसीलिए यहां पर प्रेजेंट टेंस से कन्वर्ट हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमांड्स, एक्सक्लेमेशन एंड विशेस. तो कमांड्स एंड विशेस इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं. तो इसमें कमांड, विश, डिमांड, ऑर्डर ये सब होता है. शुरू करते हैं डायरेक्ट. रामा सेड टू अर्जुना गो अवे. तो यहां पर कमांड दिया गया है. तो यहां पर यूज होता है दोस्तों कन्वर्जन में टू. तो इनडायरेक्ट में होगा राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे. नेक्स्ट डायरेक्ट, ही सेड अलास आई एम अनडन. तो अलास यहां पर बता रहा है कि ये बंदा सैड है, ये खुश नहीं है. तो इनडायरेक्ट में होगा ही एक्सक्लेम्ड सैडली, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अलास यूज होता है सैड के लिए ना कि हैप्पी के लिए, तो इसीलिए यहां पर यूज हुआ है सैडली. ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज, अनडन का रहेगा अनडन. तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन. आगे देखते हैं डायरेक्ट. एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम. लड़की खुद की तारीफ भी करती है. आगे बढ़ते हैं तो इनडायरेक्ट में होगा एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर. तो ये सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्योंकि इसमें एक्सक्लामेशन यूज हुआ है. तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिक असर्टिव सेंटेंस में, या हम इसे कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में. तो एलिस एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेमेशन का साइन है, दैट आई एम का हो जाएगा शी वॉज, हाउ क्लेवर का हो जाता है वेरी क्लेवर. वेरी यहां पर यूज हुआ है एज एन एडवर्ब. ये डिस्क्राइब कर रहा है एक एडजेक्टिव को. अब एक देखते हैं एग्जाम्पल हम यूनिवर्सल ट्रुथ का. डायरेक्ट, द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन. तो इनडायरेक्ट में होगा द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन. तो एज इट इज लिखते हैं हम, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते. तो दोस्तों कैसा लगा आप बताइए नीचे कमेंट्स में. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, और एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट. पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, एंड
देखते रहिए फुल्ली एक्सप्लेन्ड। बाय।